प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान के सपने को धरातल पर साकार करने की दृष्टि से केंद्रीय सूचना केंद्र के तत्वावधान से बिलासपुर में स्थित प्रदेश सरकार के खेल छत्रावास में केंद्रीय सूचना केंद्र बिलासपुर के प्रभारी राकेश कुमार की अध्यक्षता में एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मोबाइल ऐप के माध्यम से सुलभता से बिना किसी परेशानी से किसी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त करने की जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान के सपने को धरातल पर साकार करने की दृष्टि से केंद्रीय सूचना केंद्र के तत्वावधान से बिलासपुर में स्थित प्रदेश सरकार के खेल छात्रावास में एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मोबाइल ऐप के माध्यम से सुलभता से बिना किसी परेशानी से विभिन्न प्रकार के सुविधाएं प्राप्त करने की जानकारी दी। डिजिटल इंडिया अभियान के बारे में आम जनता का मानना है कि डिजिटल इंडिया अभियान से घर द्वार पर आम जनता को सुविधा मिलने से आम जनता लाभान्वित हुई है। इस बारे में केंद्रीय सूचना केंद्र बिलासपुर में कार्यरत आईटी तकनीकी सहायक अभियंता मीना उपाध्याय ने बताया कि सरकार का ये लक्ष्य है कि आम जनता डिजिटल अभियान से जुड़कर लाभान्वित हो सके। इस विषय के प्रति केंद्रीय सूचना केंद्र गंभीरता पूर्वक विभिन्न स्तरों पर डिजिटल अभियान को सफल बनाने के प्रति सेमिनारों का आयोजन कर रहा है। डिजिटल अभियान के बारे में आम जनता का ये कहना है कि डिजिटल इंडिया अभियान के आम जनता तक पहुंचने से सरकारी कार्यालय में जहां भीड़ कम हुई है, वहीं पर सरकारी कार्यालयों के बार बार चक्कर काटने से भी आम जनता को निजात मिली है। बिजली, पानी व बैंक से संबंधित कार्य सुलभता से लोग मोबाइल ऐप के माध्यम से निपटा लेते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल अभियान देश भर में आरम्भ किया था, जो की आम जन तक पहुँचने से साकार हुआ है, जिसके प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई के पात्र हैं। हम डिजिटल इंडिया के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए आए हैं कि कॉमन सिटीजन जो हैं वो गवर्नमेंट सर्विस का कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं घर बैठे, उनका कितना टाइम सेव हो रहा है, मनी सेव हो रहा है, और वो किसी भी टाइम अपनी एप्लीकेशन उस पर गवर्नमेंट पोर्टल पर डाल सकते हैं, जिस जो कि आपके अधिकारी वर्ग के पास जाती है और वापस वो उसको वेरीफाई या रिजेक्ट करके आपको भेज देता है जैसा वो होती है उस टाइप का। तो इसके लिए हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने कितनी सर्विस चलाई हैं। ये हमारी 59 सर्विसेज हैं जो 20 डिपार्टमेंट चला रहे हैं, तो इसमें लोगों को अभी इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो उसके बारे में हम बच्चों को और सारे सिटीजन को अवेयर करने के लिए आज निकले हैं, क्योंकि आज डिजिटल इंडिया डे है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल का जो सुविधा है हमारे पूरे भारतवर्ष में, हमारे को बहुत परेशानी होती थी पहले, लोगों को पूरा मीना मीना पर यानी कि डीसी ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे, परंतु जो आज सरकार ने जो डिजिटल का सुविधा दी है, जैसे लोग अपने जैसे लाइसेंस या कोई भी यानी कि आधार कार्ड की या कोई और समस्या है जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, हर जगह कहीं कहीं चलान होते हैं जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होनी पड़ती थी और लोगों को अपना यानी कि डॉक्यूमेंट भूल जाते थे और बहुत परेशानी होती थी। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये सुविधा की है, इससे देश को बहुत फायदा हो रहा है, लोगों को कोई समस्या का वो नहीं हो रहा है, सामना नहीं करना पड़ रहा है, इसके लिए हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। जो ये प्रधानमंत्री जी ने जो ये डिजिटल इंडिया की जो स्कीम चलाई है, उससे लोग बहुत लाभ ले रहे हैं और आगे भी ये सब इसका लाभ उठाएंगे। जैसे घर बैठे बैठे हर मतलब वो जैसे पानी का बिल, फोन का बिल और कोई ये लाइसेंस का या कोई भी ये ऑनलाइन ये सब मोबाइल के द्वारा ही कर सकते हैं घर बैठे बैठे, इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, इससे लोग काफ़ी अवेयर हो रहे हैं। आज हम बच्चों को ये खेल के साथ साथ ये बताने आए हैं कि कैसे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में वो आप जुड़ सकते हैं और कैसे वो अपने ऑनलाइन सर्विसेज है जो भारत सरकार और राज्य सरकार दे रही है उनका वो लाभ उठा सकते हैं। तो इसी के तहत हमने यहाँ एक प्रोग्राम रखा था जिसमें मेरे साथ मिस्टर अनुज हैं, ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, और मैडम मीना उपाध्याय हैं जो इनके साथ हैं। तो जो हम आज बच्चों को इसके बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट करने आए हैं।